फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय का 13 और 14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस क्यों इस प्रकार लिखता है? उनका जीवन में पिछली बातों को, मतलब उदार पाने के पहले जो पिछली रास्ता है, वो सब रुकावट का कारण रहा। खास करके उस स्तिपनोस को मारने के वक्त वो भी राजी था। उस वक्त घात करने के समय उसके कपड़ों को उसके चरणों पर रखे थे। वो पौलुस को मन को बहुत भारी था। जब कभी सोचता था, पहला तिमोथेस 1:13 वचन में वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझ बुझे ये काम किए थे। वो अभी अफसोस बता रहा है, मैंने दुख दिया, मैं निंदा करने वाला था, मैं दोष करने वाला था, इसलिए स्तिपनोस को मारने के लिए मैंने राजी हुआ, मसीलों को सताया था। तब मसीह के रास्ता में जब जा रहे थे तब यीशु से मिले। ऐसे मसीहों को सताने वाले और बंदी में डालने वाले, विशेष करके स्तिपनोस की हत्या के लिए वो कारण रहा। उसको स्मरण करने से ही जो है अपने सचमुच में सोच के उसका मन में इतना भारी हो गया। तब वो कहता है, मैं पिछले की बातों को भूल के वो फिर से हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं देना है। इसीलिए इब्रानियों 12:1 में जो भी जो दबाने वाले पापों को दूर करना, जो दबाता सताता है, जो भी छोड़ दिए थे, वो फिर से हमें गिराने के लिए आ सकता है, हमारे दौड़ को रोक सकता है, पीछे खींच सकता है। इसीलिए हमारे पाप की क्षमा की निश्चयता की आवश्यकता है। प्रभु कहता है, आपसे देख के कहता है, आपको प्रभु ने क्षमा किया है, अपने निश्चयता को रखिएगा, दौड़ आसान से हो सकता है। कुछ कुछ लोगों को देखिएगा, पिछले की सारी जीवन को स्मरण करते रहते हैं, मैं ऐसे था, ऐसे हो गया, मैं पिछले साल मेरा जीवन ऐसे था, आज दयनीय स्थिति है, पिछले दिनों में बहुत भलाई था। उसकी जो सोच विचार हमारे दौड़ को रोक सकता है, इसलिए इस प्रकार की बातें हमारे दौड़ को रोकने के लिए अनुमति नहीं देना है। किसी भी परिस्थिति में कुछ रहे ना रहे, प्रभु यीशु ही पर्याप्त है, ऐसे कहना। हालेलुया, हालेलुया।